हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो देखिए, झारखंड में जो है आचार्यों की नियुक्ति निकाल दी गई है, जिसमें कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है पीआरटी शिक्षक, टीजीटी पीजीटी शिक्षक की नियुक्तियां स्टार्ट हो चुकी हैं। चलिए बताते हैं किसके सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए, ऑल सब्जेक्ट की टीचर की वैकेंसीज निकाल दी गई है, जिसमें की सैलरी आपको 45 to 60,000 प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी फुली गवर्नमेंट टीचर के तर्ज पे ये वैकेंसीज है। जितना गवर्नमेंट में आपका पे स्केल मिलता है, उतना ही पे स्केल इसमें भी मिलता है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। सबसे पहले बताते हैं, आपको एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन आवेदन आपको कर देना होगा। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम का जो है डेट दिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कुछ दिन ही बाद, 4-5 दिन के बाद आपका जो है इंटरव्यू का जो है डेट निकाल दिया जाएगा। इंटरव्यू जब क्लियर कर लेते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके आपका जो है यहाँ पे स्कूल में आपको शिक्षक की नियुक्ति के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि आप ट्रेनिंग पीरियड में आ जाते हो। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने जा रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो इसमें कुछ बच्चों ने भी पूछा था कि किस ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो सारे आपके मन में जो भी डाउट होते हैं इसी वीडियो में क्लियर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बताते हैं कि ये वैकेंसी निकाली गई है झारखंड के प्रांत के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के लिए आचार्य की आवश्यकता है, जिसमें की पीआरटी अंग्रेजी, विज्ञान, संगणक और टीजीटी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, रसायन, भौतिकी और पीजीटी अंग्रेजी, गणित, रसायन, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, लेखा शास्त्र के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा संगीत आचार्य तथा कार्यालय प्रमुख भी आवेदन कर सकते हैं, जिसकी जो आयु होनी चाहिए 30/11/2023 को आपका 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। बताते हैं कि न्यूनतम योग्यता इसमें क्या होने वाली है। तो अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए, संबंधित विषय में स्नातक के साथ साथ डीएलएड संगणक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीसीए या समकक्ष डिग्री होती है। अब टीजीटी की बात करते हैं तो संबंधित विषय में स्नातक एवं बीएड होना चाहिए। पीजीटी की बात करते हैं तो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ बीएड शारीरिक शिक्षा मान्यता प्राप्त संस्थान से एमपीएड, संगीत में स्नातक के साथ प्रभाकर या समकक्ष वादक को वैधता दी जाएगी। कार्यालय प्रमुख के लिए आपका कॉमर्स से जो है स्नातक की डिग्री, टेली तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य है। इसके साथ साथ हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग जानने वाले को वरीयता दी जाएगी। सफल अभ्यर्थी को पूरे प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कहीं भी नियोजित किया जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट पास होते हैं उनको झारखंड के किसी भी सरस्वती शिशु मंदिर या सरस्वती विद्या मंदिर में आपका जो है ज्वाइनिंग कराया जाएगा। बताते हैं इसमें किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाली है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि आपको इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानना है। तो उसके बारे में आपको फुल्ली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और पूरी इन्फॉर्मेशन आपका जो है रिटर्न एग्जाम से लेके आपका इंटरव्यू तक का जो भी प्रोसीजर होता है मैं सभी को क्लियर करूंगी। तो इसमें बताते हैं कि किस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका जो है फॉर्म फिलअप करने का आपको पेज जो है वो दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है vvsjharkhand.org.in पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 6/12/2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो 24/12/2023 दिन रविवार को झारखंड के अंतर्गत निर्धारित केंद्रों पर की जाएगी, यानी कि कुछ इसमें सेंटर बनाए जाएंगे, वहां पे आपका एग्जाम होगा। मैक्सिमम उम्मीद है लातेहार होता है, तो वहीं पे हो सकता है आपका जो है सेंटर किया जाएगा। बात करते हैं जिसके हायर क्वालिफिकेशन होती है उच्चतर योग्यता धारी को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। झारखंड में कहीं भी जाने के इच्छुक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सके, यानी कि झारखंड के किसी भी एरिया में आपका जो है पोस्टिंग हो सकता है। अगर आप इससे एग्री करते हो तभी अप्लाई करिएगा। तो देखिए, मैंने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हो डू सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर लेना या फिर निकिता एजुकेशन टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वहां से मुझे फॉलो कर लेना। उस पर मैं आपको जितनी भी पीडीएफ होती है सभी उस पर प्रोवाइड कराती हूँ। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर लेना, बिकॉज काफी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराती हूँ।